इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ नीट 2019 के ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स शेयर करनी है। काउंसलिंग स्केड्यूल के हिसाब से जो है जल्द ही राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है और इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स और एक नोटिफिकेशन है एमसीसी की वेबसाइट पे जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसे अभी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे नीट के बारे में और काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग स्केड्यूल देख लेते हैं जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। जो रिवाइज्ड स्केड्यूल है उसके हिसाब से राउंड 2 का रिजल्ट अगर आप सभी स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे लिखा है 17 जुलाई 2019। तो राउंड 2 का रिजल्ट आज 16 है, कल आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि राउंड 2 में कोई सीट आपको अलॉट हुई है या नहीं। अब ध्यान रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट राउंड है। राउंड 2 में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मुझे आपके साथ शेयर करने हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। राउंड 2 में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते तो आप ऐसा कर पाएंगे। एग्जिट जो है वो अलाउड है राउंड 2 में, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड नहीं होगी राउंड 2 में अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग का समय 17 जुलाई से 25 जुलाई 2019 है, 9 डेज का समय आपको दिया गया है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो 25 जुलाई से पहले आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। अब ध्यान रखिए एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है सुप्रीम कोर्ट का, राउंड 2 में अगर आप कॉलेज पे रिपोर्टिंग करते हो, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, फिर वो सीट जो है आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वो सीट कंपलसरी आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर आप स्टेट कोटा के कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप कोई भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप इन एलिजिबल हो कोई भी दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप राउंड 2 में सीट कंफर्म कर लेते हो तो। तो राउंड 2 में एग्जिट करने के लिए आपको जो है एग्जिट करना है, यानी कॉलेज पे रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको रिफंड नहीं होगी लेकिन सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल मुझे आपके साथ शेयर करना था। उसके अलावा एक और रूल है, अगर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड 2 में अगर आप सीट को एग्जिट करना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर, जैसे कि रिजल्ट आया कल 17 जुलाई, 19 जुलाई से पहले आपको एग्जिट कर देना है कॉलेज पे। आपको फोन करके बता देना है कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करने वाले हो, तभी आपको उस सीट एग्जिट करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप फिर उस सीट को एग्जिट नहीं करते 2 दिन के अंदर, फिर आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड नहीं होगी। तो 2 दिन के अंदर आप एग्जिट कर दो तो रिफंड हो जाएगा, 2 दिन के बाद एग्जिट कर दो तो रिफंड नहीं होगा। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मॉपअप राउंड जो है वो अगस्त में शुरू होगा, उसकी डिटेल्स जैसे बाद में आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बस ध्यान में रखना कि कल जो है रिजल्ट अवेलेबल होगा और जैसे रिजल्ट रिलीज होता है मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नीट 2019 के एग्जाम के बाद अगर आप ये लेके टेंशन में हो कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन कहाँ पे होगा, अगर काउंसलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 में आपकी सीट अलॉट नहीं हुई है और आप ये देखना चाहते हो कि ऐसा कोई भी कॉलेज है इंडिया में जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, howto4g.com पे जाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पर्सनल काउंसलिंग मिलेगा नीट 2019 के लिए। हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे कॉलेज ढूंढने में, एडमिशन लेने में, और आपको बताएंगे कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज कौन सा है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। आपके लिए जो चाह रहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स एनालिसिस, फेस कट ऑफ एनालिसिस, इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, हम लिंक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद जय भारत। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि और वीडियो आ सके। जय हिंद जय भारत।